हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल योगेश स्पोर्ट्स न्यूज बंस अगेन। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ वृक्षासन के बारे में। दोस्तों वृक्षासन इंग्लिश में ट्री पोज भी बोला जाता है। दोस्तों एक वृक्ष के शेप में होता है, इसलिए इसे वृक्षासन नाम दिया गया है। दोस्तों वृक्षासन काफ़ी अच्छा आसन, दोस्तों योगा कोई सा भी योगा सारे अच्छे होते हैं। अगर आप योगा की डेली रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो हमारे शरीर को यंगेस्ट बनाए रखते हैं और हमारे शरीर में युवापन लाए रखते हैं, युवापन लेके आते हैं। दोस्तों हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं और हमारे शरीर में एनी डिजीज, जितने भी परेशानियाँ हैं, डिजीज हैं, उन डिजीज को बाहर निकालते हैं। सिर दर्द, अनिद्रा वगैरह जो भी है, उन सभी को बाहर निकालते हैं, हमें स्वस्थ बनाए रखते हैं। और दोस्तों जो वृक्षासन है, एकाग्र यानी एक शांत माहौल हो, यहाँ पर कोई शोर सराटा ना हो, बिल्कुल शांत हो। एक वृक्ष के जैसे बरगद के पेड़ के नीचे कर सकते हैं या पीपल के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, क्योंकि पीपल और पीपल जो वृक्ष है वो हमारे शरीर में काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, तो हमें सबसे ज़्यादा ये वृक्ष पीपल के वृक्ष के नीचे करना चाहिए। दोस्तों अब इसके जो वृक्ष आसन है, इसके जो प्रिकॉशंस और इसके जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं वृक्षासन के बारे में बता दूँ, जो वृक्षासन के प्रिकॉशंस है उसके बारे में बता दूँ। दोस्तों अगर आपके शरीर में कोई ज़्यादा गंभीर चोट है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट आसन नहीं है वैसे ये, लेकिन आपके शरीर में कोई ज़्यादा गंभीर चोट है तो इस आसन को अवॉइड करें, इस आसन को ना करें। अगर आपके शरीर में एनी बॉडी कहीं कंसोल्डर में कोई प्रॉब्लम है, या आपकी गर्दन में कोई पुराना दर्द है, या प्रॉब्लम या आपकी रीढ़ की हड्डी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, तो इस आसन को ना करें, इस आसन को अवॉइड करें। और आपके घुटने वगैरह जो भी आपके शरीर में एनी बॉडी कोई पुराना दर्द आए, आपकी डायबिटीज वगैरह, मतलब कोई ज़्यादा परेशानी हो शरीर आपके शरीर में, तो इस आसन को अवॉइड करें, इस आसन को ना करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। गाइस, वृक्षासन को करने के पश्चात आप ऊर्जा से परिपूर्ण महसूस करते हैं। यह आसन पैर, हाथों और बाजुओं की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा करता है और आपको पुनः तरोताजा कर देता है। यह मस्तिष्क में स्थिरता और संतुलन लाता है, एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। यह आसन पैरों की मजबूती प्रदान करता है एवं संतुलन बनाने में सहायक और जांघों के फैलाव में भी सहायक है। नसों के दर्द एवं अत्यंत दोस्तों यह वृक्षासन नसों की दर्द में अत्यंत सहायक है और ये आसन करने से हमारे शरीर में काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं। तो दोस्तों जो वृक्षासन का करने का तरीका आपको बता दूं कैसे किया जाता है ये आसन। दोस्तों तो इस तरह से आप सिंपल आराम से ऐसे खड़े हो जाइए, खड़े होके फिर अपना जो राइट हैंड है, इसके टू स्टेप्स होते हैं, पहले आपको फर्स्ट स्टेप्स करके दिखाऊंगा। इस राइट हैंड पैर को जो पूरा तला नीचे का पैर का वहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे, जितना आप लगा सकते हो यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से लगा के फिर आप दोनों हाथों को इस तरह से यहाँ तक खंधों शोल्डर तक ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे यहाँ से लेके शोल्डर को फिर इस तरह से यूँ लेके जाएंगे। यहाँ पर आके इन दोनों हाथों को ऐसे चेंज कर लेंगे, चेंज करके ऐसे ऊपर करके लेके जाएंगे इस तरह से। इस पोजिशन में आप यहाँ पर 20-30 सेकेंड अपने शरीर को यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे यहाँ पे आगे। अब यहाँ पे सांस को थोड़ा अंदर गहरा करके खींचना है और सांस को थोड़ा अंदर गहरा करके बाहर निकालना है जैसे। और अब जो आँखें हैं वो आँखें खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से। प्राय आसानी से पैर को नीचे लेके आएंगे, इस हाथ को ऐसे करके इस तरह से यूँ ले आएंगे। अब इसका जो सेकंड स्टेप है, अब जो लेफ्ट हैंड पैर है उसको यहाँ पर रखेंगे, इस तरह से लेके आएंगे, इस तरह से लगाएंगे और अपने ये दोनों हाथों को इस तरह से, और हमारे शरीर में जो संतुलन भी बनाए रखते हैं, इस तरह से लेके जाएंगे इन हाथों को आसानी से इस तरह से खड़े होके। जो सेकंड स्टेप है दोबारा आपको बता रहा हूँ मैं करके, ऐसे इस पैर को यहाँ पर तले, इसका जो पैर का तला है वो यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, और इन दोनों हाथों को इस तरह से लेके जाएंगे, इस शोल्डर पर आके हाथों को चेंज करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे यहाँ। यहाँ पर थोड़ी शरीर को होल्ड करके रखेंगे 20-30 सेकेंड, फिर यहाँ पर सांस को थोड़ा गहरी खींचेंगे और थोड़ा गहरी करके बाहर निकालेंगे, जिससे आपकी सांस भी सही होगी। इस तरह से आँख खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। इस पोजिशन में यहाँ पर खड़े हो जाएंगे वृक्ष, एक ट्री पोज से बोला जाता है वृक्ष की शेप में, इस तरह से। फिर अपने जो पैर को नीचे करके लेके जाएंगे, जितना आप कंफर्टेबल हो उतना आप कर सकते हो। इसे जो प्रेग्नेंट महिला है वो भी इस आसन को कर सकती है, फिर आसानी से नीचे लेके आएंगे इस तरह से, इन हाथों को भी नीचे लेके आएंगे। फिर यहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, आँख बंद कर लेंगे, फिर सांस को गहरा अंदर लीजिए, फिर बाहर निकालिए, यहाँ थोड़ी देर रुक जाइए, फिर अंदर लीजिए 4 या 5 बार सांस को अंदर बाहर अंदर लीजिए, फिर बाहर निकालिए। ऐसे यहाँ पर थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से यहाँ पर करेंगे इस आसन को। दोस्तों इस आसन को प्रेग्नेंट महिला भी कर सकती हैं आसानी से, अगर आप
चार या पाँच महीने का प्रेग्नेंट हैं तो आसानी से आसन को कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाद में नोटिफिकेशन उसे भी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।